अगर आप इंस्टाग्राम यूजर एंड ऐसे में जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर चैटिंग जरूर से करते होंगे, अगर आप चाहते हो अपनी मल्टीपल चैट्स को, मल्टीपल मैसेजेस को जो इंस्टाग्राम के ऊपर डिलीट करना, वो भी एक ही बारी में, एक ही क्लिक में, कैसे कर सकते हो ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे, स्टूडियो में सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं गाइस, इस स्टूडियो में जो है किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट का यूज नहीं करने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे जो प्रोसीजर रहने वाला है, स्टेप्स रहने वाला है, एकदम सिमिलर रहने वाला है एंड्रॉइड एंड आईओएस के लिए, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। अभी आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हैं। अभी एक्चुअली क्या करना है, मैं जाता हूं यहां पे डीएम्स के ऊपर, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे मेरी एक दो चैट्स, अगर मैं जो है एक चैट को डिलीट करता हूं तो मुझे स्वाइप लेफ्ट करना पड़ता है, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। लेकिन अगर मल्टीपल चैट्स को डिलीट करना है तो ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इसके लिए आपको ध्यान देना कि आपका अकाउंट प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए। यस गाइस, अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो आप उसको पब्लिक कर लो, क्रिएटर बिजनेस अकाउंट कर लो। आपको जाना है सेटिंग्स में एंड आपको जाना है अकाउंट प्राइवेसी के ऊपर। जैसे आप आएंगे तो आपको प्राइवेट से हटा देना, पब्लिक हो जाएगा आपका अकाउंट। उसके बाद आपको ध्यान देने कि आपका अकाउंट जो यहाँ पे क्रिएटर बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, तभी जो है फीचर मिलेगा। जैसे आप इधर आएंगे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आ गया डीएम्स पे, मेरे को ये सारी चैट्स डिलीट करनी है। अब क्या करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर पे। जैसे आप यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट चैट्स का, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जितनी भी चैट्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप जो है सिलेक्ट कर पाओगे। एंड उसके बाद यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हो, अनरीड करना चाहते हो, जनरल में भेजना चाहते हो, वो सब आप कर सकते हैं। एंड दैट इज इट गाइस, यहाँ से 11 चैट्स मैंने डिलीट कर दिए। अब देख पा रहे हूँ यहाँ पे न्यूज बॉय की एक मैसेज मैंने डिलीट कर दिया। अब एक्चुअली वो क्या मैसेज सच में डिलीट हुआ है, अनसेंड हुआ है, वो मैं आप सभी को बता दूं। वो मेरे एंड से, मेरी साइड से जो है डिलीट हो चुका है, बट न्यूज बॉय की तरफ से नहीं हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ पे गया चैट्स पे उनके प्रोफाइल पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है मेरे को चैट नहीं आ रहा है, इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है। बट गाइज, अगर वो चैट ओपन करेगा तो वहां पे उसको जो है चैट का ऑप्शन आ जाएगा, जो जो मेरी चैट हुई होगी। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल चैट्स को डिलीट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट। बहुत ईजी प्रोसीजर, बहुत ईजी स्टेप है। अगर आपका अकाउंट बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट है तो आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिल रखा होगा, बट आपका अकाउंट अगर प्राइवेट है तो आपको जो है जल्दी से बिजनेस अकाउंट कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मल्टीपल चैट्स को डिलीट कर सकते हो, मैसेजेस को डिलीट कर सकते हो। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इतना सा वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियोस आप शेयर लाता रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो तो क्ले बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।